हेलो दोस्तों, ये मेरे पास एक बोर्ड आया है और ये रिपेयर नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, आप देख रहे हो चमचमाता बोर्ड है, बिल्कुल नई कंडीशन का। तो ये रिपेयर इसलिए नहीं होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखो, ये ट्रैक दिखा, ये पूरा कटा हुआ है, ये देखो। तो जब ऐसा कोई हमारे पास बोर्ड आए तो उनमें मेहनत करना बेकार है बिल्कुल ही, क्योंकि वो रिपेयर होने लायक होते नहीं। देखो बिल्कुल कट गया ट्रैक इसका। तो जब ट्रैक ट्रैक कट जाए तो आपने क्या करना है, उस बोर्ड को नहीं देखना है। बाकी आप देखोगे बोर्ड बिल्कुल चमचमाता हुआ है। और एक केस और है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, इस बोर्ड में VRM भी बन रही है, रीसेट भी बन रहा है, बट कोडिंग नहीं चाहिए। तो ऐसा बोर्ड आए Gigabyte का, ये माना हुआ बोर्ड है। तो इसमें जब फॉल्ट आता है तो यही आता है कि इसकी BIOS रिप्रोग्राम कर दो, ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इनमें ये प्रॉब्लम आती है कि अपना कोर भी बनेगी, रीसेट भी होगा, बट कोडिंग नहीं चलेगी। तो कोडिंग इसलिए नहीं चलती, ये दो BIOS है। हमने क्या करनी है, BIOS निकाल करके दोबारा रिप्रोग्राम कर देना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।